आज हम लोग सौर मंडल के बारे में बात करेंगे कि सौर मंडल क्या होता है। ठीक है, हम देखते हैं कि सौर मंडल में हमारे पास क्या है, सूरज है। क्या है? सूरज। सूरज क्या है? तारा है। क्या है? तारा। और उसके बाद जो हमारे ग्रह है, कौन कौन से ग्रह हमारे यहाँ, बुध, शुक्र, पृथ्वी, मंगल, बृहस्पति, शनि, अरुण और वरुण। सूरज एक तारा है। तारा किसको बोलते हैं? जो अपनी ऊर्जा स्वयं उत्पन्न करता है वो तारा होता है। ठीक है, तारा सूरज है और वह उसमें 71% हाइड्रोजन है। 71% क्या है? हाइड्रोजन है। मेन सोर्स सूरज का क्या है? हाइड्रोजन। अब जो हमारे जो ग्रह है ये सब सूरज के चक्कर काटते हैं। क्या करते हैं? चक्कर काटते हैं। ठीक है, सूरज के सबसे पास का ग्रह कौन सा है? बुध। उसके बाद दूसरे नंबर में, तीसरे नंबर में पृथ्वी, चौथे नंबर में मंगल, पांचवे में बृहस्पति, छठवे में शनि, सातवें में अरुण और आठवें में वरुण। वरुण। ठीक है, जो बुध, शुक्र, पृथ्वी और मंगल, ये जो प्रथम 1, 2, 3, 4 ग्रह है इसको बोलते हैं आंतरिक ग्रह। इसको क्या बोलते हैं? आंतरिक ग्रह। और उसके बाद जो बृहस्पति, शनि, अरुण और वरुण है उसको बाह्य ग्रह बोलते हैं। क्या ग्रह बोलते हैं? बाह्य ग्रह। अब हम एक एक ग्रह के बारे में बात करेंगे। हमारा पहला ग्रह कौन सा है? बुध। बुध। ठीक है, बुध पहला ग्रह और सबसे छोटा है। ठीक है, उसके बाद आता है शुक्र। बुध का कोई उपग्रह नहीं है। ठीक है, शुक्र आता है। शुक्र को हम भोर का तारा भी कहते हैं या संध्या का तारा भी कहते हैं, क्योंकि बहुत चमकता है। सुबह सुबह और शाम के समय बहुत चमकता है। ठीक है, शुक्र का भी कोई भी उपग्रह नहीं है। और सबसे गर्म ग्रह कौन सा है? शुक्र है। उसके बाद आते हैं पृथ्वी में। पृथ्वी जो एक नीला ग्रह है, नीला ग्रह क्यों है? क्योंकि यहाँ पानी है इसलिए वो नीला ग्रह है। ये तीसरे नंबर का ग्रह है और इसका उपग्रह है चंद्रमा। ठीक है, अब हम आते हैं चौथे नंबर पे, ग्रह भैया है मंगल। यह इसका रंग कैसा है? लाल। लाल क्यों है? क्योंकि यहाँ लोहा के ऑक्साइड बहुत ज्यादा, इसलिए लाल है। अब उसके बाद हम पांचवे नंबर पर ग्रह में जाते हैं जो कि सबसे बड़ा ग्रह है। इसका नाम है बृहस्पति। सबसे ज्यादा उपग्रह बृहस्पति के है। इसके बाद आता है शनि। शनि जो ग्रह है उसके चारों तरफ हमें एक रिंग दिख रही है ना, इसको रिंग बोलते हैं या वलय भी बोलते हैं। ये वलय वाला ग्रह है। इसके बाद आता है अरुण और उसके बाद आता है वरुण। ठीक है, जो अरुण और वरुण है ना उसको हम लोग दूरबीन से खोजे हैं। दूरबीन से खोजे हैं। खगोली उपग्रह भी खगोली ग्रह भी बोलते हैं इसको। बाकी बुध से लेकर शनि तक इसको हम अपनी आंखों से देख सकते हैं, लेकिन अरुण और वरुण को आंखों से नहीं देख सकते। इसको दूरबीन की सहायता से खोजा गया है। ठीक है, तो ये हो गया हमारे ग्रह के बारे में कुछ जानकारियां। ठीक है, अब हम इनका तुलनात्मक अध्ययन करेंगे। ठीक है, तो देखेंगे पहले हम तुलना करते हैं रंग से। बुध है भूरा, शुक्र है पीला, पीला इसलिए क्योंकि ज्यादा चमकता है इसलिए, पृथ्वी नीला पानी के कारण, मंगल है लाल लोहे के कारण, बुध है पीला, शनि है काला, अरुण है हरा और वरुण है नीला। अरुण हरा इसलिए क्योंकि यहाँ मेथेन ज्यादा है। ठीक है, अब उसके बाद हम तुलना करते हैं सूरज से दूरी। देखिए बुध सबसे पास में है, हम चित्र में भी देख रहे हैं ना, बुध क्या सबसे पास में है। ठीक है, ये जो दूरी है करोड़ किलोमीटर में, दूरी किसमें है? करोड़ किलोमीटर में है। तो हम पृथ्वी के बारे में याद रखेंगे, पृथ्वी है 14,96,00,000 किलोमीटर। हम पृथ्वी का याद रखेंगे क्योंकि तो एग्जाम में अधिकतर पृथ्वी के बारे में ही क्वेश्चन पूछता है। पृथ्वी की दूरी कितनी है? 14,96,00,000 किलोमीटर सूरज से।
तो सबसे पास होगा हमारा बुध और सबसे दूर होगा हमारा वरुण। ठीक है, अब हम देखते हैं कि अपने अक्ष पर चक्कर में लगा समय, ये जो ग्रह है वो अपने अक्ष में भी चक्कर लगाते हैं जिनके कारण दिन और रात होता है। तो देखिए सबसे जल्दी चक्कर कौन लगाता है, 243 दिन में शुक्र, 243 दिन में अपना, सॉरी शुक्र सबसे लेट में लगता है, शुक्र सबसे लेट में, सबसे देरी में ये क्या करता है अपने अक्ष में घूमता है। ठीक है, कितना समय लगता है शुक्र को, 243 दिन, लेकिन सबसे जल्दी बृहस्पति अपने अक्ष में, अपने अक्ष में घूम लेता है, वह लगाता है सिर्फ 9 घंटे और हमारी पृथ्वी कितनी लगाती है, 24 घंटे। अपने अक्ष में पृथ्वी को चक्कर लगाने में कितना समय लगता है, 24 घंटे। सबसे देरी में लगाएगा शुक्र, सबसे जल्दी लगाता है बृहस्पति। अब हम देखते हैं सूरज की परिक्रमा, क्योंकि बुध पास में है तो सूरज की परिक्रमा सबसे जल्दी करेगा। ठीक है, अब सबसे दूर में कौन है, वरुण, तो सबसे ज्यादा समय किसको लगेगा सूरज की परिक्रमा करने में, वरुण को, वरुण को लगता है 164 वर्ष। और बुध को लगता है सिर्फ 88 दिन में ही, 88 दिन में सूरज की परिक्रमा कर लगता है, लेकिन हमारी पृथ्वी को लगता है 365 दिन। तो पृथ्वी के बारे में हम जानेंगे, पृथ्वी को समय लगेगा 365 दिन सूरज की एक परिक्रमा में, और अपने अक्ष में चक्कर में उसको लगेगा 24 घंटे। सूरज से दूरी है 14,96,00,000 किलोमीटर और पृथ्वी का रंग है नीला, नीला है पानी के कारण, और इन 8 ग्रह में से सिर्फ पृथ्वी में ही जीवन है। पृथ्वी का जो चंद्रमा उपग्रह क्या है, चंद्रमा है, सबसे ज्यादा उपग्रह है बृहस्पति का, किसी पुस्तक में शनि भी लिखा है, किसी पुस्तक में बृहस्पति भी लिखा हुआ है। ठीक है, तो ये हमारा है सौर मंडल, मंगल तक बुध शुक्र पृथ्वी और मंगल तक आंतरिक ग्रह है, और बाकी बृहस्पति शनि अरुण और वरुण बाह्य ग्रह है। अरुण और वरुण की खोज दूरबीन से हुई है, इसलिए इसे खगोली या दूरबीन ग्रह भी कहते हैं।